हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर किचन तड़का मार के विद नीलू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पाइसी पोटैटो वेजेस, वो भी एयर फ्रायर में। और ये घर में बनाना बहुत ही इजी है और टाइम भी बहुत कम लगता है। यहाँ पे मैंने 5 आलू लिया है जो कि बड़े साइज़ का है। इसे मैंने छिलके निकाल करके और इसे काट लिया है। अगर मीडियम साइज़ के आलू है तो उसे सिर्फ 20 से काटना है और बहुत बारीक नहीं काटा, हल्का हल्का मोटा ही काटना है। यहाँ पे मैंने आलू को छीलकर काट लिया और उसे पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद आलू को 2 बार पानी से धो लें। पानी नॉर्मल लेना है, बहुत ठंडा या गर्म पानी नहीं लेना है। पानी से धो कर के इसे स्ट्रेनर में छान लें और इसे टॉवल या किसी प्लेट में फैला लें, जिससे इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाएगा। और ऊपर से टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से पोंछ लें, जिससे एक्सेस पानी सूख जाएगा। आलू को अच्छी तरह से पोंछ लेने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप गार्लिक को क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये अच्छे से आलू पर कोट हो जाता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। और प्री हीट होने के बाद ऑयल से जाली वाले बर्तन को ग्रीस करेंगे। और अब आलू जो मिक्स करके हमने मसाला रखा है उसको इस पर फैलाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद इसे एक बार फिर से पलट लेंगे और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर वापस 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए डालेंगे। अब देखिए आलू का कितना अच्छा कलर भी आ गया और क्रिस्पी भी हो गया है। इसी तरह बचे हुए आलू को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आपका स्पाइसी पोटैटो वेजेस रेडी है। ये देखिए कितना क्रिस्पी भी बना है। इसे मायोनीज सॉस और चटनी के साथ सर्व करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे एक बार जरूर ट्राई करें और पसंद आती है तो इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।